हमारा देश इस बात से सबसे ज्यादा अग्रणी है जहां जाति और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। कोई पार्टी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर वोट बटोरती है तो कोई ब्राह्मण और पिछड़े की बात कहकर। आज एक बार चुनाव में पहले फिर से बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। 2020 विधानसभा चुनाव को अधिक समय नहीं बचा है, जिसके चलते हर राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी कमर कस ली है और वोटरों ने जोर तोड़ गणित लगाना भी शुरू कर दिया है। और शायद इसी सोच के साथ कि अब सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता नहीं जीती जा सकती, तो अब पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास शुरू किया है। इसी उद्देश्य को लेकर बसपा के नेता सतीश चंद्र मिश्रा बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, जो महोबा जालौन के बाद अब झांसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। विशेष तौर पर एक कार्यक्रम ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का था, जो कहीं ना कहीं फ्लॉप होता नजर आया, क्योंकि कार्यक्रम में पार्टी के कई कार्यकर्ता तो थे लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों का सभा में टोटा दिखाई दिया। अपने इस कार्यक्रम में सतीश मिश्रा ने भाजपा पर कई तंज कसे। उन्होंने तो सत्ता के लिए यह भी कह दिया कि वह भाजपा को प्रदेश से बाहर छोड़कर आएंगे। इसके अलावा भी उन्होंने मंच से कई शब्दावान चलाए। लेकर के जाए कि जब तक इन भाजपाइयों को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं पहुंचा देंगे, हमारे ब्रह्म समाज का एक भी आदमी चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। यह संकल्प लेने के लिए आया। हम आप लोग ये भी जानते हैं, जिन लोगों ने 2007 से 2012 के बीच का कार्यकाल देखा है, ब्रह्म समाज के मान सम्मान को देखा है, मैं उनको भी यह संकल्प दिलाने आया हूँ कि जब तक हम लोग 2022 में इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये भी संकल्प दिलाने हम लोग आपके बीच में आए हैं। वहीं जब बात पत्रकारों से रूबरू होने की आई तो नेताजी पत्रकारों के सवाल पर भड़कते नजर आए। पहले उन्होंने सवाल को नकार दिया और उठने का प्रयास किया, लेकिन बात जब मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोगों की पूछी गई तो नेताजी बिना संतोषजनक उत्तर दिए पत्रकार वार्ता से भागते साफ दिखाई दिए। देखिए, आप ब्राह्मण समाज का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में कोई सवाल हो तो पूछिए, अगर नहीं है तो छोड़िए। आपने ब्राह्मण दलितों का सबकी यहाँ खड़े होकर वकालत की है, लेकिन मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया, क्या लगता है? आपने नहीं सुना, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम जो ओबीसी, आपने आपने नहीं सुना हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? एक शब्द लास्ट में कहा। आपको बता दें कि इससे पहले वाली सभा जालौन में थी, जिसमें बसपा को पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। वहीं बसपा के कोऑर्डिनेटर लाला राम अहिरवार मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। ऐसा लग रहा है कि शायद ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का बसपा का प्रयास सार्थक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस सभा में विकास दुबे जैसे अपराधी को भी ब्राह्मण समाज से जोड़कर भी भाषण दिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को गलत संदेश भी देने का प्रयास है। झांसी से आर एन शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.